अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग आउट देयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ड्राइविंग एक्सपीरियंस। और आज है यहाँ पे फ्राइडे, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस कि सोसाइटी से बाहर जाके ड्राइव करने में मुझे कैसा एक्सपीरियंस लगता है। मुझे थोड़ा अभी भी डर लगता है। मैं 8 साल के बाद कैनेडा से आके ड्राइव कर रही हूँ और जब मैं गई थी तब मैं इतनी अच्छी प्रो ड्राइवर नहीं थी, मैंने सिर्फ नया नया सीखा था। तो अभी मैं हिम्मत की है मैंने सोसाइटी में थोड़ी प्रैक्टिस करके और अब मैं थोड़ा दूर तक सोसाइटी से बाहर निकल जाती हूँ। तो आज अभी हम जा रहे हैं खाना लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ और कुछ अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। और आज का डे देखते हैं कैसा है, क्योंकि आज है फ्राइडे और मेरा तो मूड है फुल इन्जॉय करने का। तो मैंने सोचा कि अगर इन्जॉय करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे, अगर नहीं करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टे ट्यून। मैं ड्रेस अभी हम निकल चुके हैं और मैं ब्लॉगिंग करने की भी कोशिश कर रही हूँ और ड्राइविंग भी कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास मेरे असिस्टेंट हैं, वो मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त। और अभी हम बस जा रहे हैं बिरयानी लेने और मैं आपको बताती हूँ बिरयानी हम कहाँ से लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे घर और घर के बाद फिर हम थोड़ा तैयार शैयार होके, थोड़ा सा फैंसी तैयार होके आज हम कहीं घूमने जाएंगे। मैं सोच रही हूँ मैं अपने बेटे को एक अच्छा सा फ़न टाइम दे दूँ, क्योंकि माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, ही इज़ स्टडिंग वेरी वेल। तो मैंने सोचा आज उसका एक फ़न डे कर लेते हैं, क्या कहते हैं आप सब? मेरा बेटा तो बहुत खुश हो गया। तो यहाँ से हमने ली है बिरयानी और यही एक हमारी बड़ी फेवरेट प्लेस है, यहीं से हम अक्सर बिरयानी लेते रहते हैं। तो बस अब घर के लिए निकल गई हूँ और मुझे गैस स्टेशन का पता नहीं है, तो मैं सिर्फ घर का एड्रेस जीपीएस में डाल के घर जाऊंगी और रास्ते में गैस स्टेशन मिलेगा तो हम गैस भी डलवा लेंगे। यहाँ पे हम डलवा रहे हैं गैस और देखते हैं क्या है। ये है यहाँ के पर्क्स के कार भी क्लीन हो जाती है, गैस भी डल जाती है, आपको खुद से नहीं डालना पड़ता, वहाँ तो आपको खुद से करना पड़ता है ये सारे काम। तो आई एम एंजॉयिंग दिस पर्क। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक को पार करते हुए मैं सोसाइटी के अंदर तो आ गई थी, लेकिन थोड़ा सा रास्ता भूल गई थी अपने घर का सोसाइटी के अंदर आके, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच के मैंने थोड़ा सा खाना वाना खाया, रेस्ट किया, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इवनिंग में हमने क्या किया। ओके, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, यहाँ पर हो चुके हैं शाम के 6:30 और हमने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज हमारा शाम में थोड़ा घूमने जाने का प्लान है, क्योंकि आज हमारे घर में बड़े जो हैं हमारे घर के वो बाहर गए हुए हैं और हम सिर्फ बच्चे बचे हुए हैं। तो हमने सोचा कि आज जाते हैं बाहर, थोड़ा सा एंजॉय करके आते हैं। मैंने सोचा अपने बेटे को थोड़ा फ़न करवा दूँ और हम भी थोड़ा अच्छा गर्ल्स टाइम स्पेंड कर लें। मैं अपनी सिस्टर के साथ सोच रही हूँ कि जाके एंजॉय कर लूँ। तो हो चुके हैं 6:30, अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है कि हमें क्या करना है। तो हमने सोचा था कि मूवी देखने चलते हैं, लेकिन हमने जब सर्च किया तो मूवी जो है दोपहर में लगती है, वो वाली जो मूवी हम देखना चाह रहे थे वो दोपहर में लगती है। तो इसलिए अब हमने प्लान चेंज करके, हमने अभी भी डिसाइड कुछ नहीं किया है, लेकिन हमें पता है एक ही जगह जाते हैं हम, एक मॉल है वहाँ जाते हैं, वहाँ पर फन करते हैं और फिर खाना खा के आ जाते हैं। तो देखते हैं आज का क्या प्लान है, 6:30 हो चुके हैं, लेट्स गो। जब बहुत टाइम के बाद मैं इतना ज़्यादा तैयार हुई हूँ और आई एम लविंग माई आई मेकअप, क्योंकि मेरे जो ये लेंसेज है ना, ये लेंसेज का कलर मुझे इतना पसंद है। ये लेंसेज मैंने बहुत टाइम से नहीं पहने थे, अभी अचानक से मुझे मिले तो मैंने पहन लिए एंड आई एम लविंग इट। इस लेंस में ये अच्छी बात है कि इसमें मेरे आईज़ बहुत बड़ी लगती हैं और मैं मस्कारा लगाती हूँ तो बहुत प्यारा सा लुक आता है। मैं अब तैयार होती हूँ, जल्दी से सैंडल पहनती हूँ और फिर बाहर निकलते हैं। This is my favorite song. Oh yeah, so yeah, let's finally हम यहाँ की पार्किंग में आ चुके हैं और अब हम जाके enjoy करने वाले हैं। ये मॉल है, मॉल की पार्किंग है और अब हम ऊपर जाके enjoy करने वाले हैं, थोड़ा फन टाइम स्पेंड करेंगे फन फैक्ट्री में। यहाँ के मॉल के टॉप फ्लोर पे ये फन फैक्ट्री बनी हुई है, तो वहाँ देखते हैं क्या फन हमारे लिए वेट कर रहा है।
लॉस्ट जंगल में आए हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है. सो एंजॉय विद मी. मुझे लग रहा है राइड बहुत ज़्यादा स्लो है, थोड़ा सा फास्ट होती तो ज़्यादा मज़ा है ना. Yep. This car just got destroyed by me. All the bags and everything in my hand, and these two kids are playing. My sister versus my son. आज मेरा काफ़ी अच्छा डे था, आप देख सकते हैं इस वीडियो में और आगे आगे भी देखिए. गेम जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है. लेट्स सी हु विंस. कम ऑन अभियान, कम ऑन नेहा, लेट्स सी हाला वर्सेस हांजा. वो वन मोर चांस अभियान, वन मोर चांस गॉन. ओ सो नेहा खाला विन with 1 point. Very good.
tickets. Get ready. See that hammer. Lift it. Then push it down. Still good. My turn. My turn. Good hard spin. Oh, you're not done? Next time. Can I try? See that hammer. Lift it. Then push it down to spin my wheel. मैंने एक ही टर्न में 500 टिकट्स विन कर लिए थे, तो मैं बहुत एक्साइटेड और बहुत हैप्पी थी. सब जो है ना बहुत शॉक्ड हो रहे थे, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट है ये 500 टिकट्स विन करना. बट इट वाज माय लकी डे. तो बस ये करने के बाद हम डन हो चुके थे, काफ़ी थक भी गए थे और काफ़ी टिकट्स भी आ गए थे. तो हमने सोचा वाई नॉट अब निकलते हैं और बस ये मशीन में हम टिकट्स डालेंगे. और बहुत टाइम लगा, पीछे एक दो लोग वेट कर रहे थे हमारा, उनको भी टिकट्स डालने थे, बट हमारी टिकट्स देख के बड़ा हैरान हो रहे थे वो लोग, कितने सारी टिकट्स. तो एनीवेज हमने बस टिकट्स डाले और बस हम खाना खाने के लिए चले गए. यहाँ से हमने थोड़ा सा शवरमा लिया था जो कि मेरे बेटे को खाना था, और फिर मैंने मेरी सिस्टर ने हमने बर्गर लिया था विथ फ्राइज़ पोपाइज़ से, जो कि बिल्कुल भी पोपाइज़ वाला फ्लेवर नहीं था जो कैनरा में मिलता है. फिर खाने के बाद हमने यहाँ से यही डिज़र्ट लिया जो कि पेस्ट्रीज थी, चॉकलेट पेस्ट्रीज जो बहुत यम थी. मुझे और मेरी सिस्टर को तो याद नहीं था कि हमने पार्किंग कहाँ की है, लेकिन मेरे बेटे को पता था, याद था, तो उसकी वजह से हम बच गए हैं. और वो हमेशा यही करता है कि पार्किंग में आता है तो वो एक पिक्चर ले लेता है ताकि हमें याद है हमने कहाँ पार्क किया. तो फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, घर जा रहे हैं, और आई होप आपने ये डे मेरे साथ इंजॉय किया होगा. मैंने सोचा आप सबके साथ भी अपने हैप्पी मोमेंट्स शेयर करती हूँ, आप सब भी इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ एक ब्यूटीफुल सा टाइम. कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स मैं अपलोड जल्दी जल्दी करती रहूँ. जो डिफ़िकल्ट पार्ट लगता है मुझे वो व्लॉगिंग का एडिटिंग लगता है, बट कोशिश है कि अब मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स शेयर करने वाली हूँ. तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.